गवर्नेंस जो है वो बेसिकली कहते हैं कि आप जो लोगों के राइट्स हैं, लोगों के जो हकूक हैं, उनको देखते हुए जो आईन मुल्क में मौजूद है उसकी बालादस्ती और ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत के साथ मुल्क का जो नज़्म व ज़ब्त है उसको चलाने को गवर्नेंस कहते हैं। उसमें हर तरह की शफाफियत होना चाहिए, लोगों के जो हकूक हैं उनके उनका इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए, और कहीं भी गवर्नमेंट के जो फंड्स पैसा है या किसी भी तरह के वसाइल हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी या शफाफियत होनी चाहिए। इसको गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कहते हैं। बैड गवर्नेंस भी उसी को कहा जाता है जिसके अंदर ये सब चीज़ें उलट चल रही होती हैं, पैसे का जो है वो कानून के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होता है, वसाइल का कानून के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो मईशत है उस पर बहुत मनफी असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह से अगर हम इकोनॉमिक गवर्नेंस की या मौशी गवर्नेंस की बात करें तो उसमें यही होता है कि जो आपकी वसाइल हैं उनको शफाफ तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसमें किसी किस्म का हेर फेर और झोल मौजूद ना हो, ताकि जो जो चीज़ या जो भी एलोकेशन वसाइल की रिसोर्सेज की हुई है वो बिल्कुल शफाफ अंदाज से की जाए, उसमें किसी किस्म का ऐसा अंसर मौजूद ना हो जो कि फाइल के अंदर दर्ज ना किया जाए और उसको कोई समझ से बाहर हो कि ये आपकी जो इनकम या आमदनी है या रकम है वो उसके खर्च की तफसीलात मौजूद ना हो। जब गवर्नेंस नहीं होगी तो आपका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो खुद ब खुद हिल जाएगा और उससे आपके तमाम वसाइल और आपकी जो उसकी जो ग्रोथ या तरक्की है, नमू है, उस पर बहुत डायरेक्टली इफ़ेक्ट आता है और उससे जो किसी भी मुल्क का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह से बदल जाता है और दूसरे ममालिक जो हैं वो उनसे काम करना, ट्रेड करना या उनके साथ किसी किस्म की बिज़नेस डील करना पसंद नहीं करते हैं। गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ टूल्स होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, जिसमें सबसे बुनियादी और बहुत मुनफरिद और आजमूदा जो तरीका है उसको कहा जाता है डेवोल्यूशन, यानी आप जो ताकत है उसको इतना तकसीम कर दें कि वो ताकत नीचे तक सराइयत कर जाए किसी भी सोसाइटी के अंदर, कि आपके अंदर कोई लूप होल या झोल मौजूद ही ना रहे कि जहाँ पर बैड गवर्नेंस हो सके। अब ये अगर हम डेवोल्यूशन की मिसाल लें तो हमारा जो 73 का आईन है उसके अंदर जो पावर्स हैं, जो ताकत है, वो विफाक से लेकर सूबाई हुकूमत और सूबाई हुकूमत से नीचे लोकल गवर्नमेंट्स तक, जो जो ज़िलाई लेवल की हुकूमतें हैं वहाँ तक पावर को नीचे तक जो है डिवॉल्व कर दिया है, यानी कि मुंतकिल कर दिया है। जब आप डेवोल्यूशन को मज़बूत करते हैं तो जब और आपकी जो पावर्स हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे तक चली जाती हैं, तो जो काम आपका विफाक कर रहा होता है उसकी एक डोर हिलने से उसका इफ़ेक्ट सूबाई हुकूमत पे, सूबाई हुकूमत से नीचे ज़िलाई हुकूमत पे जाएगा, तो पूरा जो मुल्क है उसमें शफाफियत खुद ब खुद आने लगती। क्यों? क्योंकि जो वसाइल की तरसील है वो ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जा रही है, कितने लोग उस लड़ी में जो हैं वो इन्वॉल्व हैं वो सब उस पूरे साइकिल को मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं और सबकी नज़र से गुजर रहा है। जहाँ पर कहीं पर ऐसा कोई घपला होता है, जहाँ पर उसके अंदर शफाफियत में फ़र्क आता है, तो लोग उसका बोलने का मजाज रखते हैं और वो बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो आमदनी नीचे तक नहीं पहुँचेगी तो उनको उसका नुकसान होगा, लोग उनको वोट नहीं देंगे, लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा असर, या आप रेमेडी कह लें, गुड गवर्नेंस की डेवोल्यूशन है। अभी हम सुन रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो चाहती है कि तमाम सूबों में इकट्ठे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस किए जाएं ताकि पावर्स नीचे तक डिवॉल्व हों और जो सिस्टम है वो शफाफ हो और लोगों तक नीचे तक वसाइल जो हैं वो पहुँचें और तरक्की का जो पैमाना है वो सिर्फ ऊपर तक ना रहे, तमाम इलाकों तक जाए और हर कोई जो कि किसी बलूचिस्तान के देहात में बैठा हुआ है या इस्लामाबाद में बैठा हुआ है वो वसाइल को एक साथ जो है वो इन्जॉय कर सके और उसको रिसोर्सेज मिले ताकि वो तरक्की आगे कर सके। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर हम डेवोल्यूशन की बात करें तो ढांचा यूँ बना हुआ है कि विफाक जो है वो ज़्यादातर टैक्सेस की कलेक्शन और सारी चीज़ें उसके पास आती हैं और वो फिर पावर्स नीचे तक जाती हैं। लेकिन अगर आप चाइना का मॉडल देखें डेवोल्यूशन का,
तो उसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, यानी नीचे से जो ज़िलाई हुकूमतें सूबाई हुकूमतें हैं वो टैक्स को कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं वसाइल को, रेवेन्यूज़ को, और उसको इकट्ठा करके ऊपर विफाक को देती हैं, और विफाक फिर अपने इंतज़ाम उससे चलाता है। लेकिन हमारे केस में ये है कि विफाक सारी जो है तकसीम है वो विफाक के ज़रिए नीचे तक होती है, तो इसका एक लिहाज से अगर हम देखें एक कॉन्ट्रोवर्शियल पहलू ये बन जाता है कि सूबे फिर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप पंजाब प्रोविंस की हम बात करें तो पंजाब में 80% जो है तरसील वसाइल की वो विफाक से जा रही है। जब उनको 80% रेवेन्यू विफाक से बैठे बिठाए मिल रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि उनके अंदर कोई टेम्पटेशन नहीं है कि हम अपने वसाइल को ख़ुद भी जनरेट करें। जब 80% इनकम आपको मिल रही है तो आपको क्या ज़रूरत है मेहनत करने की? तो सूबे फिर मेहनत नहीं करते, सूबे एफर्ट नहीं करते कि हम अपनी आमदनी या सेल्फ जो जनरेशन ऑफ इनकम है उसकी तरफ तवज्जो दें और वसाइल को क्रिएट करें ताकि बिजनेसेस, प्राइवेट सेक्टर की मोटिवेशन हो, गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व हो, और उससे यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन और इंडस्ट्री चले जो कि इस मुल्क की बुनियादी ज़रूरत है, जिसमें 60% यूथ है हमारे पास, तो उसको यूटिलाइज़ किया जाए। इस वजह से इसको कभी कभी कहा जाता है कि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं। डेवोल्यूशन इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका होना बहुत ज़रूरी है।